भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। एक्ट्रेस अब सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना दमखम दिखाएंगी। अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया है और उनकी पार्टी जन सुराज का दामन थामा। इस खबर ने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। भोजपुरी फिल्मों के चाहने वालों के बीच अक्षरा सुपरस्टार हैं। वो अपने दम पर फिल्मों को हिट कराने की काबिलियत रखती हैं। मधुर आवाज और बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का परचम अब राजनीति के मंच पर भी लहराता दिखाई देगा। ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ मैं, एक अभियान से जुड़ी हूँ जहाँ हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा शिक्षित बिहार दिखने वाला है। लोगों की सोच बदली हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले जब से मैं पली बड़ी हूं, ऐसा लगता है कि हमेशा से मैंने देखा है कि जात पात धर्म कुरीतियां वो सब देखते पली बड़ी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से निकलना चाहिए और वो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं प्रशांत सर, और मैं चाहती हूं कि ना सिर्फ मैं और भी युवा वर्ग जितने जुड़ेंगे शायद हमारे बिहार को सुधार पाएंगे। गौरतलब है कि सोमवार को राजनीतिक मास्टरमाइंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा। ये फैसला अक्षरा के पीके से मुलाकात के बाद ही लिया गया। एक्ट्रेस अक्षरा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह के पॉलिटिक्स में आने के इस फैसले के साथ उनका पूरा परिवार है। उनके घर वालों के मुताबिक जन स्वराज सिर्फ सियासी पार्टी नहीं, एक अभियान है जो देश और बिहार के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। भोजपुरी स्टार अक्षरा और पवन सिंह की जोड़ी ने एक दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। सिल्वर स्क्रीन से लेकर निजी जिंदगी में दोनों का साथ, फिर ब्रेकअप और आरोप प्रत्यारोप की खबरें भी खूब छाई रहीं। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री से अक्षरा सिंह ऐसी पहली कलाकार नहीं है जिसने राजनीति की ओर रुख किया है। हाल ही में पवन सिंह ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का हिंट दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठा हूं, बस इंतजार है मौका मिलने का। मैं राजनीति में आने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी। अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत रवि किशन के साथ 2010 में एक्शन ड्रामा फिल्म सत्यमेव जयते से की थी। इसके बाद उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्या, तबादला, मां तुझे सलाम जैसी कई फिल्मों में काम किया। अक्षरा ने कई सुपरहिट गाने भी गाए हैं। वो इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सोलो हिट्स दी हैं। सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के सफल राजनीतिक करियर के बाद से भोजपुरी सितारों का राजनीति में आने का चलन बढ़ा है और कुछ इस दिशा में बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं। इसी कड़ी में अक्षरा सिंह का नाम भी जुड़ गया है, लेकिन एक नई पार्टी से जुड़कर वो कितनी कामयाबी हासिल कर पाती हैं ये वक्त बताएगा। हालांकि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की सियासी पारी को लेकर काफी दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था। उनकी बीजेपी में जाने की काफी अटकलें भी लगाई जा रही थी। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई उनकी मुलाकात से इन कयासों को और बल मिला था, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करके सबको चौंका जरूर दिया है।